सो फ्रेंड्स वेलकम बैक वन सेकेंड। दोस्तों बात करेंगे 160cc सेगमेंट की बजट फ्रेंडली क्रूजर बाइक की। दोस्तों अगर आपका बजट कम है, अगर आप एक क्रूजर बाइक खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों बजाज एवेंजर स्ट्रीट 160 एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों बात करेंगे इस बाइक की करंट प्राइस के बारे में, दोस्तों अपडेट प्राइस डिटेल के बारे में बात करने वाला हूं। दोस्तों 2021 के अभी के समय में आपको इस बाइक की कीमतें क्या देखने को मिलती हैं। दोस्तों अगर आपका बजट काफ़ी टाइट है तो इसकी कम से कम डाउन पेमेंट, ईएमआई, लोन, दोस्तों फाइनेंस की डिटेल भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों अब वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा जानकारी के लिए प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक वॉच जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों बजाज एवेंजर स्ट्रीट 160 जो कि सिंगल वर्जन के साथ आती है यानी कि BS6, बात करेंगे दोस्तों रांची सिटी के प्राइस की तो अभी के समय में इसकी एक्सोरूम प्राइस आपको देखने को मिलेगी रांची में 104,128 रुपये। RTO टैक्स, रजिस्ट्रेशन, दोस्तों हैंडलिंग चार्जेस के सभी के मिलाने के बाद आपके बनते हैं 7517 रुपये। दोस्तों इंश्योरेंस के आपके लगेंगे 8,325 रुपये, यानी कि सभी टैक्सेस को जोड़ने के बाद आपकी कैश कीमत बनती है इस बाइक के लिए 1,19,970 रुपये की। दोस्तों ये है इस बाइक की कैश प्राइस। अब बात करेंगे फाइनेंस की, दोस्तों फाइनेंस के लिए आपको डाउन पेमेंट करनी होती है तो मान लीजिए अगर आप आइडियल डाउन पेमेंट करते हैं इसकी 22,888 के आसपास, दोस्तों आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ 12,888 से। दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताना, उसके हिसाब से मैं आपको बता दूंगा क्या आपकी ईएमआई बैठती है। तो दोस्तों अगर आप ये आप डाउन पेमेंट करते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ तो दोस्तों आपका लोन अमाउंट बैलेंस निकल के आता है 97,083 रुपये का। अगर आप इस लोन को 4 साल के लिए फाइनेंस कराते हैं तो इंटरेस्ट रेट 11% लगाने पर मंथली आपकी किस्त निकल रही है इस बाइक के लिए 2,912 रुपये की, जो कि आपको 48 महीनों यानी कि 4 साल तक पे करनी होगी। दोस्तों यह है इस बाइक की फाइनेंस की डिटेल, दोनों डिटेल हैं अभी के समय में रांची सिटी की। दोस्तों ये एक बजट फ्रेंडली क्रूजर बाइक है। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएगा। कोई दोस्तों आप कमेंट में बात पूछना चाहते हैं हमसे तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच लास्ट तक वीडियो को वॉच करने के लिए।